जानकारी दोगे पुलिस का रवैया खरा। सर हमें सारे मारना चाहते हैं, मार दो हमें, हम वापस नहीं जाना चाहते, माफ करो, नौकरी भी रखो, हमें नहीं जाना। आपको जम्मू की दबे थे और पूरा पुलिस हमें ब्लॉक्ड है। ये तस्वीरें आप लाइव देखने की कोशिश करें, ये लाइव तस्वीरें हैं समय की, जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तवी ब्रिज की ये तस्वीरें हैं समय की, ये पूरी तस्वीरें आप देखने की कोशिश करें, ये फिलहाल की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसे समझने की भी कोशिश करें। वो आपके सामने ये बेसिकली जो एलजी मनोज सिन्हा है, ये टोटल फेल एलजी है। ये पूरा तवी ब्रिज इस समय ब्लॉक है और ब्लॉक होने के कारण आपको बता दूं कश्मीरी पंडित जितने भी हैं तमाम ये कहते नजर आ रहे हैं, लगभग 100 दिन प्रदर्शन को हो चुके हैं और आज भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि रिलोकेट किया जाए। रिलोकेट करने की मांग से लेकर सरकार से रिलोकेट करने की मांग को लेकर इस समय ये प्रदर्शन आप देखने की कोशिश करें। ये समय की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाते नजर आ रहे हैं। और इनकी गुंडागर्दी हम पे चलती है, फौरे पे चलती है, जो वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग करते हैं, हम यहाँ पे शांति पूर्व यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें भी हमारे साथ नाइंसाफी हो जा रही है। आप हमारे बंदूक का हाल देख सकते हैं, अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी 15-20 दिन आज इसके 90 दिन हो गए हैं। हम कंटिन्यू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिलोकेट किया जाए, एटलीस्ट जब तक वहाँ पे नॉर्मलसी नहीं आती, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई संज्ञान आ रहा है। आप देख रहे हैं मैम, आप खुद अपनी न्यूज, आप डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पिलर है, आप देख रहे हैं कितना सुधार आया है, यह हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। सर किस सिचुएशन में वापसी कराएंगे, जो बंदा 90 में माइग्रेट नहीं हुआ था उसको कल मार दिया जाता है, आप क्या बिलीव कर रहे हो उस गवर्नमेंट से, अब बचा क्या सर हमारे पास, हमने वहां पे भी मर रहे हैं, हम यहाँ पे मरेंगे, उससे बड़ी हम इस रोड पे यहाँ पे मर लेते हैं, जो वहाँ पे गोली से मरा यहाँ पे कम से कम हमारा शव को आग लगाने वाले हमारे घर वाले तो हैं। गवर्नमेंट चाहती है हमारे माँ बाप वो हमारे को कंधा दे, ये चाहती है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे बच्चे जो भी बेचारे दूध पीना भी सीख रहे हैं वो यतीम हो जाए, गवर्नमेंट चाहती क्या ये हमें पता नहीं है। अब हमारे भाइयों का हाल देख लीजिए, आप पागल होकर बैठे हुए, इनका बीपी कितना रेज हो गया है, इसका जवाब कौन देगा, गवर्नमेंट क्या जवाब देगी इसके बारे में। हम गवर्नमेंट से अगेन ये रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमें रिलोकेट किया जाए। मुरमरे साहब भी थे, सत्तार मलिक साहब भी थे, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया उनके प्रेजेंस में ऐसी कोई कश्मीरी पंडित की किलिंग नहीं हुई, लेकिन आज शर्म से कहना पड़ता है जो हमारे एलजी मनोज साहब है वो अभी तक भी चुप है, हालात ठीक है, क्योंकि कुछ चंद मीडिया जो इनके पेड़ है वो दिखाते हैं कि हाँ जी वहाँ सब ठीक है, अगर वाकई में वहाँ सब ठीक होता तो आज ये हालत नहीं होती, हमारे नौजवान नहीं।